डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी से जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, और जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसकी हमने जो सेपरेट चैप्टर की कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, लेकिन जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने डिस्कस करना है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो टाइम टू टाइम चेंजेज क्यों होते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जो लाइफ पाई जाती है अर्थ के ऊपर, उनको जो क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे प्लांट्स के 5 डिवीजन हैं, एनिमल्स के 10 फाइलम हैं, तो उनको क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चेंजेज कैसे होते हैं टाइम टू टाइम और क्यों होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, जैसे जो क्लासेज होती हैं किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज का अरेंजमेंट उनकी सिमिलरिटीज के बेस पे ही, उनका जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसी बेस पे ही उनको क्लासीफाई किया जाता है, क्लासेज बनाई गई होती हैं, और डिसिमिलरिटीज के बेस पे उनको सेपरेट क्लासेज में रखा जाता है। तो उसी को, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को हायरार्कियल मीन्स लेवल वाइज, छोटे लेवल से जैसे स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद जीन्स है, तो इस तरीके से जो सबसे टॉप मोस्ट किंगडम आते हैं, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, तो एक लेवल वाइज अरेंजमेंट को ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैज्ञानिकों ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो खोजे हैं, वो दिए हैं टाइम टू टाइम, और जिनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेज हैं वो देखने को मिले हैं। अर्लियर एरिस्टोटल प्रपोज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो अरस्तु है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी माने जाते हैं, तो उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने जो एनिमल और प्लांट्स हैं उनको उनके हैबिटेट के बेस पे ही ग्रुप में डिवाइड किया था, जैसे एक्वेटिक है, फिश, वेल, टेरिस्टल है, रेप्टाइल, कैटल्स, एरियल है, जो एयर में या ट्रीज पे रहते हैं, जैसे बैट है, बर्ड्स हैं, तो उनके हैबिटेट के बेस पे ही ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये मेनली जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, एनाटॉमी जब हम उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी जब हम बिहेवियर या फिर जो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग प्रोसीजर समझते हैं, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, एसेक्सुअल या सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन और उनमें भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओंटोजेनी मींस फैमिली हिस्ट्री, जो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, साइटोकेमिस्ट्री, जो सेल से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जो उनमें पाए जाते हैं, तो इन सारे करेक्टर्स को भी हम बाद में जो है वो कंसिडर करने लगे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। पहले केवल हैबिटेट के बेस पे ही क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन अभी हम काफ़ी डीपली हर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद उनके डिफरेंट क्लासेज या ग्रुप्स में उनको रखते हैं। आफ्टर नेचुरल सिस्टम ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी मीन्स उनके जो एनसेस्टर हैं, किस ऑर्गेनिजम्स की वो संतान मानी जाती हैं, किस जगह से उनका स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, जिसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी बोला जाता है, तो इनको भी कंसिडर किया जाने लगा है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड क्लेडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, जो एक बायोलॉजी की ब्रांच है उसी टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, और टैक्सोनॉमी के डिफरेंट फील्ड हो जाते हैं, जैसे साइटो मतलब सेल से रिलेटेड रहता है, कीमो केमिकल्स जैसे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, न्यूमेरिकल में काफ़ी सारे जो करेक्टर्स हैं, सिमिलरिटीज हैं, उनको एक साथ डिस्कस किया जाता है, एक साथ
रिलेट करके देखा जाता है। एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेटेड, जिसके अंदर जो ब्रांचिंग है एक एंसेस्टर से जो डिफरेंट डिसेंडेंट्स बनते हैं, वंशज बनते हैं, उसके बाद उनसे आगे डिफरेंट डिफरेंट जो एक फैमिली हिस्ट्री है वो क्रिएट होती है, तो उनको भी टाइम टू टाइम हम टैक्सोनॉमी में समझते हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैसे चेंजेज हुए हैं। तो हम देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डेफिनेशन ही देखी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद सबसे पहले एरिस्टोटल जो अरस्तु है उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्लस लिनियस ने भी दिए थे, उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं, आर एच वी टेकर ने जो दिए थे, और उन्हीं में हम ये डिफरेंट जो डीप करेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ हेट्रो ट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम हेट्रो ट्रॉपिक बैक्टीरिया मीन्स दोज बैक्टीरिया विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड एंड हैबिटेट नीड, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड पर्पज के लिए उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और इनके अंदर जो सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक मीन्स दोज बैक्टीरिया विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो गले सड़े चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। सिम्बायोटिक, जो किसी के साथ एक एसोसिएशन में रहते हैं जिसमें दोनों का फायदा होता है जिसके साथ वो मिलते हैं। पैरासिटिक मीन्स जो किसी एक लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। दे एक्ट एज नेचुरल स्क्वेंजर, स्क्वेंजर्स मीन्स जो साफ सफाई रखते हैं, एज दे डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज रॉ मटेरियल्स फॉर रीयूटिलाइजेशन। तो ये जो भी डेब्रीज नेचर में इकट्ठा होती है, कचरा इकट्ठा होता है डेड डिकेइंग सब्सटेंस की वजह से, तो उनको क्या है उनका निपटारण करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, डिस्पोज मतलब उनका निपटारा करते हैं, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल था उनका उनको रीयूटिलाइज मीन्स उनको सोयल में जैसे ही मिला देते हैं तो प्लांट्स वगैरह हैं उनको वापस यूज कर सकते हैं। दे आल्सो हेल्प इन सेवेज डिस्पोजल मैन्योर प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हम समझ सकते हैं कि इनका सीवेज जो गंदे नाले होते हैं, सेवरेज होते हैं, जो बड़ी मेट्रोपोलिटन सिटी होती हैं तो उनके अंदर जो सीवेज डिस्पोजल है उनमें भी बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, और जो खाद है उसको बनाने में भी यूज किया जाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, वो भी प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स उसको प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वो प्रोटीन हम प्लांट्स से ही हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी जो राइजोबियम टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे जो औद्योगिक पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड के लिए जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस मीन जैसे कर्ड है, कर्ड में ये मिल्क से जो कर्ड कन्वर्ट की जाती है वो LAB टाइप बैक्टीरिया यूज होते हैं, चीज़ है, बटर है, विनेगर है, तो डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया के यूज से ही बनाई जाती हैं। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सीरम। सीरम मीन्स जो एक प्लाज्मा जैसे जो ब्लड से जो एंटीबॉडीज वगैरह हैं वो यूज की जाती हैं किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, तो सीरम है, वैक्सीन है, विटामिन है, एंजाइम्स हैं, जो सप्लीमेंट के रूप में हम बोल सकते हैं या फिर जब भी डिजीज के टाइम पे इनको यूज किया जा सकता है। तो इनमें जो सूडोमोनास है और जेंथोमोनास है ये बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं, बल्कि जीन्स बोलेंगे हम क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है, तो ये इस जीन्स के बहुत सारे बैक्टीरिया वो यूज किए जाते हैं मेडिसिन में भी। उसके बाद जो आर्कियो बैक्टीरिया है, तो आर्कियो बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस, फोरम, डंग एंड सीवेज एंड इन रूमिनेट्स दे काज फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। तो इनके जो यूजेज हैं आर्कियो बैक्टीरिया भी क्लास है बैक्टीरिया की, और इसके अंदर जैसे साइनो बैक्टीरिया वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के जो बैक्टीरिया वो आ जाते हैं, और ये गोबर गैस के अंदर जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें जो एक एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज किया जाता है, जो डंग है उनसे
हम गोबर गैस बनाने में यूज करते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, सीवेज जो गंदे नाले होते हैं उनकी साफ सफाई में बैक्टीरिया यूज किया जाता है, रूमिनेंट्स ये वो जानवर होते हैं जिनके एक रूमिनेंट रूमन पार्ट पाया जाता है स्टमक के अंदर, और इन स्टमक में जो कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। आगे है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। जो डायटम्स होते हैं जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी पाई जाती है। तो सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर कॉल्ड फ्रस्टल्स, फ्रस्टल्स बोल सकते हैं। जो सेल वॉल है डायटम्स की उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, फ्रस्टल बोलते हैं। द सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इम्प्रिगेटेड विद ग्लास लाइक सिलिका। मेनली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ अमाउंट में जो ग्लास लाइक जो सिलिका है, सिलिका मीन्स जो सेंट होता है, वो भी मिलता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स और थीका। जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है सेल वॉल का वो ये है कि ये दो हाफ्स में डिवाइड होती है, और वो दो हाफ्स जो आधे भाग हैं सेल वॉल के वो एक दूसरे में फिट बैठते हैं, जैसे कि एक सो बॉक्स होता है या फिर जो पैट्री डिश होती है। सो बॉक्स जो कंप्लीट सोप को कवर कर लेता है, तो सोप जैसे हम रखते हैं तो उसके ऊपर जो उसका लिड है वो आसानी से बंद हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं द अपर हाफ लिड इज कॉल्ड एपिथीका। जो ऊपर का भाग होता है उसको, जो ढक्कन का काम करता है उसको एपिथीका बोलते हैं, और लोअर भाग को केस, केस मीन्स जो भी बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है उसको हाइपोथीका बोलते हैं। आउटर कवरिंग पोसेसिज वेरी फाइन मार्किट पिट्स पोर्स एंड रिजिज। जो बाहर की कवरिंग होती है सेल वॉल की उसके ऊपर काफी मार्किंग लगी होती है, निशान बने होते हैं, कुछ जगह पे गड्ढे बने होते हैं, छिद्र भी होते हैं उसमें, और रिजिज मतलब कुछ उबार वगैरह भी उसमें मिल सकते हैं। सिलिसियस फ्रस्टुल्स ऑफ डायटम्स डू नॉट डीके इजिली। और ये मिट्टी जैसी नेचर होने की वजह से आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वर एंड फॉर्म बिग हीप्स कॉल्ड डायटोमाइट और डायटमिस अर्थ। तो जैसे ही इनकी डेथ होती है, अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इनका जो सेल वॉल है वो डिके नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इकट्ठे होते रहते हैं बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वायर के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे डायटोमिक टाइप की जो स्ट्रक्चर है, या फिर हम उसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, वहां पे एक स्ट्रक्चर है वो बनती रहती है। इट मे एक्सटेंड फॉर सेवरल हंड्रेड मीटर्स। और ये सैकड़ों मीटर तक फैल सकती है इन सर्टेन एरियाज फ्रॉम वेयर द सेम कैन बी माइंड, और जिसको हम बाद में खान वगैरह से खुदाई करके निकाल भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स का मतलब क्या होता है। एल्गल ब्लूम्स फाउंड इन कॉन्टामिनेटेड वाटर, तो ये ज्यादातर दूषित पानी में पाए जाते हैं। दे आर एन ओवरग्रोथ ऑफ एल्गी, ये एल्गी का ज्यादा बड़ा हुआ रूप है, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी। मेनली जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये एल्गी नहीं होता है। एल्गी एक सेपरेट डिवीजन है प्लांट किंगडम में, लेकिन जो बैक्टीरिया उसको सेपरेट पढ़ा जाता है अलग से, जो किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत ज्यादा आउटग्रोथ को ही हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। डियर ग्रोथ लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, और जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती रहती है वाटर को और ज्यादा पोल्यूटेड करते रहते हैं। दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते रहते हैं। रेड टाइड्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेड पिगमेंटेड डेनोफ्लैजेलेट्स। डेनोफ्लैजेलेट्स भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही पढ़ा जाता है, सच एज गोनियलेक्स गिव्स द सी कलर। जैसे ही गोनियलेक्स नाम का जो डिनोफ्लैजेलेट्स है वो बहुत ज्यादा अपनी संख्या बढ़ा लेता है, उसका रेड पिगमेंटेड होता है, रेड कलर होता है, और जिसकी वजह से जो ज्वारभाटा उठता है, जो लहरें उठती हैं समुद्र में, वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। दीज एल्गा प्रोड्यूस टॉक्सिन, देखने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन ये एल्गी है जो जहरीले पदार्थ है वो सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो फिश हैं या फिर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये हानिकारक होता है।
उसके बाद हाउ आर वायरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस, वायरोइड्स और वायरस में क्या अंतर पाया जाता है। वायरोइड्स आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरोइड्स क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छोटे, इन्फेक्शियस मीन्स संक्रमक बोल सकते हैं हम, जो बीमारी फैलाते हैं, और जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इसके अंदर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, प्रोटीन से कोई डका नहीं होता, जैसे वायरस है उसके ऊपर प्रोटीन कोट सेपरेट से पाया जाता है। बट वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाउंड विद प्रोटीन कोट। लेकिन वायरसेज के पास सिंगल स्ट्रैंडेड तो होता ही है, साथ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन कोट से वो ढका हुआ होता है। वायरोड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू वायरस। वायरोड्स होते हैं वो वायरस से बहुत ही ज़्यादा छोटे आकार के होते हैं। वायरोड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। वायरोड्स केवल प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वायरस हैं वो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बैक्टीरिया को भी वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के मेन जो चार ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड मीन अमीबा टाइप, जिसका सेल्स है सेल साइज वो फिक्स नहीं होता है। लिव इन फ्रेश वाटर, ये ताजे पानी में पाए जाते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल, और इस समुद्री पानी में मिल सकते हैं और या फिर गिल्ली मिट्टी में भी, नमी वाली मिट्टी में मिल सकते हैं। मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट सोडोपोडिया। ये इधर उधर जब इनको मूव करना होता है, मूवमेंट करनी है, तो ये सूडोपोडिया यूज करते हैं, और सूडोपोडिया से ही अपना जो फूड कैप्चर है वो खाना वगैरह उसको पकड़ते हैं, जैसे अमीबा के अंदर होता है। सूडोपोडिया को फाल्सपिट भी बोला जाता है। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस। जो मेराइन किस्में पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके ऊपर सिलिका सेल्स पाई जाती हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। और कुछ एंटमीबा टाइप के जो प्रोटोजोन्स हैं वो पैरासिटिक भी पाए जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लेजिलेटेड मीन्स इनके पास फ्लैजिला होता है जो कि इनके मूवमेंट में मदद करता है। आइदर फ्री लिविंग, या तो ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर पैरासिटिक मीन्स किसी एक जगह पे चिपके रह सकते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास रह सकते हैं। और जब ये पैरासिटिक होते हैं तो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कोजिंग होते हैं, डिजीज ये फैलाते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल में। फ्लैजिलेटेड होते हैं, मेनली फ्लैजिला इनके पास होता है। एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होती है जो मेनली इस प्रोटोजोआ की वजह से पाई जाती है, और ये जब ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, हम इसका पिक भी देखेंगे, तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो डिजीज है वो कोज करता है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स। सिलेटेड मीन्स इनके पास सिलिया होते हैं। सिलिया और फ्लैजिला में मेन डिफरेंस होता है, सिलिया ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं लेकिन ये शॉर्ट होते हैं साइज में, फ्लैजिला है वो लॉन्ग इन साइज होते हैं बट फ्यू इन नंबर, संख्या में कम होते हैं। तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये एक्वेटिक होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। एक्टिवली मूवेबल, बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास हजारों की संख्या में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, एयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। हैव ए कैविटी, इनकी एक जगह पे स्पेशली गुल्ट पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से ये माउथ का काम करता है, और इसी माउथ के पोर्शन से ये जो फूड वगैरह है वो एनगल्प करता है। उसके पास स्पोरोजोन्स इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर मेनली बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और इनको स्पोरोजोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन होता है उसमें एक स्पोर लाइक बीज जैसी एक स्टेज बनती है, इसलिए इनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है मोस्ट नोटोरियस मीन्स बहुत ज़्यादा जो परेशानी कोज करता है, घातक है मेनली जो ह्यूमन स्पीसीज के लिए, वो प्लाज्मोडियम है। और ये मलेरिया पैरासाइट होता है, मलेरिया जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलती है, और मच्छर केवल एक वेक्टर का काम करता है, मॉस्किटो जो होते हैं जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, वो इस प्लाज्मोडियम को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह वेक्टर का काम करता है, लेकिन जो डिजीज कोजिंग काम करता है वो प्लाज्मोडियम होता है, और इसी की वजह से मलेरिया है वो फैलता है। तो हम पिक से समझते हैं, सबसे पहले अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें हम देख सकते हैं अमीबा भी आ जाता है, उसके बाद कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन हम एक दो एग्जाम्पल ही याद रख सकते हैं। इनकी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, अमीबा टाइप शेप होती है। फ्लैजिलेटेड में ट्राइपैनोसोमा जैसे हमने पढ़ा था,
तो वेवी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ये टेल टाइप स्ट्रक्चर। उसके बाद युगलीना, युगलीना में भी जो फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन युगलिनोइड एक अलग क्लास या अलग ग्रुप है, प्रोटिस्टा के अंदर ही पढ़ा जाता है। सिलिएटेड के अंदर जैसे पैरामीशियम होता है, काफ़ी सारे सिलिया पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इसको मोमेंट में मदद करती हैं। उसके बाद इसी टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है बेलेंटीडियम। और जो स्पोरोजोन्स हैं, इसके अंदर स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है, जैसे जो प्लाज्मोडियम है वो रेड ब्लड सेल में रहता है, तो रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है, और रेड ब्लड सेल जब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस वो रिलीज करती हैं, उसी की वजह से जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो बॉडी के अंदर अराइज होते हैं। इसी प्रकार से बेबेसिया भी रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाला एक स्पोरोजोन से ही होता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शली हेटरोट्रॉपिक। प्लांट्स वैसे ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो खुद का जो फूड है खुद ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं। पार्शली हेटरोट्रॉपिक मीन्स आंशिक रूप से हेटरोट्रॉपिक हम बोल सकते हैं, टोटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। तो उन्हीं प्लांट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इंसेक्टिवोर्स एंड कार्निवोर्स प्लांट्स ही पार्शियल हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इंसेक्टिवोर्स मीन्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, कार्निवोर्स मीन्स जो मांसाहारी पौधे प्लांट्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ग्रीन, ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं मेनली, लेकिन अपने जो प्रे हैं, शिकार हैं, इंसेक्ट हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, किसके लिए, नाइट्रोजन सप्लाई के लिए, नाइट्रोजन नीड के लिए ही ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो एग्जाम्पल हैं जो वो हम देख सकते हैं, ये यूट्रिकुलस है, ये सरसों के फ्लावर्स जैसे जो प्लांट्स हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, यूट्रिकुलेरिया। उसके बाद ड्रोसेरा, सो ड्रेसरा पिचर प्लांट भी इसको बोला जाता है, पिचर टाइप होता है, इसके ऊपर एक लीड लगा होता है और लीड ये बंद हो जाता है जैसे कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है। उसके बाद ये नेपेंथिस है, नेपेंथिस भी जैसे कोई फ्लाई वगैरह है इसके ऊपर बैठती है तो ये ऊपर से जो स्पाइंस टाइप स्ट्रक्चर से ही क्लोज हो जाती हैं, और ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स में आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट सिग्निफाई। जो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट है, इन वर्ड का क्या मतलब होता है, और ये वर्ड्स हैं जो लाइकन्स में पढ़े जाते हैं, और लाइकन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का इंट्रैक्शन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म यदि रहते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे फंजाई और एल्गी जब एक जगह पे मिल के रहते हैं तो लाइकन बोला जाता है, और लाइकन्स में जो फाइकोबायोंट पार्ट होता है वो एल्गी के लिए यूज किया जाता है, और जो फंजाई है उनके लिए माइकोबायोंट है वो वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि माइकोबायोलॉजी स्पेशली स्टडी ऑफ फंजाई के लिए यूज की जाने वाली टर्म होती है। माइकोबायोंट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कवर, जो फायदा पहुंचाने वाली बात क्या होती है, जो फंजाई करती हैं वो स्ट्रक्चरल कवर मीन्स प्रोटेक्शन का काम करती हैं एल्गल पार्ट को। अनफेवरेबल कंडीशन मीन ऐसी कंडीशन जब एल्गी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जैसे डेसिकेशन है, लॉस ऑफ वाटर वगैरह है, उससे बचाती है। यदि वाटर की बार ज़्यादा कमी है, टेम्परेचर वगैरह प्रतिकूल है, वो फेवरेबल नहीं है, तो उससे प्रोटेक्शन करने का जो काम है वो फंजाई करती हैं। सिमिलरली फाइकोबायोंट्स जो एल्गी है वो क्या करती है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करके वो दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है। तो ये एक लाइकन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी हम ये वर्डिंग्स हैं या लाइन है वो नोट कर सकते हैं। फिर स्पेशली फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट आता है तो हम बता सकते हैं कि जो लाइकन एसोसिएशन होती है उसके अंदर एल्गी है जो वो फाइकोबायोंट वर्ड एल्गी के लिए, एल्गल कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है, और फंजाई जो फंगल कंपोनेंट है उसके लिए माइकोबायोंट वर्ड है वो यूज किया जाता है। उसके बाद गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेज ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हमने यहाँ पे जो डिफरेंट क्लासेज हैं फंजाई की, चार जो क्लासेज पढ़ी जाती हैं उनमें उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे उनमें कंपैरिजन करना है कि किस में किस टाइप का
न्यूट्रिशन पाया जाता है और किस में रिप्रोडक्शन है वो कैसा पाया जाता है। तो हम एक जो टेबल है उससे समझ सकते हैं। ऊपर हमने चार क्लासेज लिखी हैं, फाइको माइस्टीज है, एस्को माइस्टीज है, बेस्टियो माइस्टीज एंड ड्यूट्रियो माइस्टीज है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यदि देखें तो सैप्रो फाइटिक और पैरासिटिक होम पाई जाती है। सैप्रोटिक फाइटिक और पैरासिटिक ये फंजाई के अंदर पाई जाती है, मेनली फॉर्म होती हैं ये। ऑटोट्रॉपिक फॉर्म तो रहती नहीं है फंजाई में। सैप्रोट्रॉपिक मीन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंडेंट होते हैं, पैरासिटिक मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में डिकम्पोजर भी आ जाते हैं, स्क्वेंजर जिसको बोला जाता है, जो साफ सफाई रखते हैं नेचर की डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खत्म करते हैं। पैरासिटिक भी पाए जाते हैं, कोरप्रोफाइलस मीन्स डंग के ऊपर जो रहते हैं, डंग जो होता है एक्सक्रीटा होता है जो कैटल्स का, उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। बेस्डियोमाइसिटीज में सैप्रोफिटिक आ जाते हैं और ड्यूट्रियोमाइसिटीज में डिकम्पोजर, ये सेम ही प्रोसीजर रहता है लगभग, ये सैप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक फॉर्म ही पाई जाती है। एस्कोमाइसिटीज में कोरप्रोफिलस भी पाए जाते हैं, कोप्रोफिलिस। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज में, जो कि जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ बीज होते हैं जूस्पोर्स। एप्लैनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, स्पोर मीन्स वो जैसे बीज होते हैं जो एक प्लांट बनाता है, और जैसे ही वो स्पोर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां से एक नया फंजाई है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या होता है, सिमिलर या फिर डिसिमिलर इन मोर्फोलॉजी। जाइगोट्स मीन जो गैमेट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो गैमेट्स बनते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट प्लांट बॉडी हम बोल सकते हैं, फंजाई बॉडी बोल सकते हैं, उनमें जब वो कंबाइन करते हैं तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट सिमिलर भी बन सकता है और डिसिमिलर टाइप का जो जाइगोट है वो भी बन सकता है। और डिसिमिलर और सिमिलर टाइप से गैमेट्स में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। गैमेट्स जब एक जैसे होते हैं तो सिमिलर होते हैं, डिसिमिलर में वो अलग अलग होते हैं मोर्फोलॉजिकली, और जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं तो वहां से जाइगोट है, डिप्लोइड स्ट्रक्चर है वो बनती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पड़ी जाती है कंप्लीट जाइगोट फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज में जो ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कोनिडिया कहलाते हैं स्पेशल, और ये सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं उनको एस्को स्पोर्स बोला जाता है। एस्को मीन्स सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये बनते हैं, और इसी वजह से इनका जो क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज पड़ा है। एस्कोस्पोर्स स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं। बेस्डियोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव टाइप रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो बडिंग है उससे रहता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो सोमैटिक सेल्स हैं, टू टाइप्स की सेल पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, सोमैटिक सेल्स जो नॉर्मल बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, और जो जर्म सेल्स जो स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करती हैं। अब इनमें जर्म सेल्स तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो सोमैटिक सेल्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली किस से कंसर्न रहता है कि जो सेल्स हैं वो फ्यूज होनी चाहिए, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज से जो सेल्स हैं वो आती हैं, वो जब फ्यूज हो जाती हैं तो एक जायगोट टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो बनती है, और उससे ही आगे बेसडियो स्पोर्स हैं वो बनते हैं। और बेसडियो स्पोर्स जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे नया ऑर्गेनिजम्स है वो क्रिएट करते हैं। प्लाज्मोगैमी क्या है यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी मीन्स जो सोमैटिक सेल्स का जो प्लाज्मा होता है साइटोप्लाज्म, वो यहाँ पे फ्यूज होता है। तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन से ही यहाँ पे जो एक नया ऑर्गेनिजम्स है उसके बनने की स्टार्टिंग होती है, जिसको बेस्डियोस्पोर्स बोलते हैं। ड्यूट्रियोमाइसिटीज के अंदर केवल एसेक्सुअल टाइप ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और एसेक्सुअल टाइप के जो स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं इनको भी कोनिडिया ही वर्ड बोला जाता है। तो ये है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे जो हमने कंपैरेटिव स्टडी की है डिफरेंट क्लासेज के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है, और इसमें मेनली यूग्लिना पढ़ा जाता है, और जो यूग्लिना है इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को जोड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ करेक्टर्स एनिमल किंगडम के पाए जाते हैं, कुछ प्लांट किंगडम के पाए जाते हैं। वो क्या है, जिनके पास सेलवाल नहीं होती है लेकिन सेलवाल प्लांट्स में पाई जाती है, तो ये एक एनिमल टाइप का हम फीचर है वो बोल सकते हैं। इनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन रिच जो आउटर कवरिंग है वो पाई जाती है, जिसको पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल वन मार्क में पूछा जा सकता है। टू फ्लैजला, दो फ्लैजला पाए जाते हैं, जिसमें एक शॉर्ट लेंथ का होता है, एक लॉन्ग लेंथ का होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजला बोलते हैं।
और ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये प्लांट टाइप का करेक्टरिस्टिक है इनके पास। और सनलाइट यदि है तो ये ऑटोट्रॉपिक काम करते हैं, और यदि सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके तरीके से बिहेव करते हैं। जो माइक्रोस्कोप में यदि हम यूलिना को देखते हैं तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और इसी को यदि हम डायग्रामेटिक वाइज देखते हैं तो इसमें दो फ्लैजला मेनली पाए जाते हैं, जिसमें एक लॉन्ग फ्लैजला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजला भी इसी जगह से राइज होता है, हालांकि डायग्राम में नहीं है। और इसके कुछ हम स्ट्रक्चर्स हैं वो याद रख सकते हैं, न्यूक्लियोलस इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, और कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो फूड वगैरह कैप्चरिंग करने के लिए काम आते हैं। तो कुछ हम यहाँ से डायग्रामेटिक वाइज भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेज विद रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड नेम फॉर कॉमन वायरल डिजीज। कुछ हमने वायरल डिजीज है उनके भी नाम बताने हैं, वायरस के बारे में हमने समझना है, और जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का पाया जाता है वो हमने समझना है। इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये संक्रमक होते हैं, मेनली एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकते हैं। दैट क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज मीन्स जो कि एक सॉलिड फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस जो दो स्टेट होती हैं सॉलिड की जो फॉर्म पाई जाती हैं, तो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं जैसे ये बॉडी से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ द सेल। यदि इनको निकाल दिया जाता है तो ये सॉलिड सब्सटेंस के तरीके से बिहेव करते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग के तरीके से बिहेव करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज आइदर, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन कोट या प्रोटीन कोर पाया जाता है, उसके अंदर ही सुरक्षित रहता है। ये द वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैज, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और जो वायरस एनिमल को इफेक्ट करते हैं वो सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। तो एनिमल्स में काफ़ी टाइप के वैरायटीज पाई जाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी उनके अंदर या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जा सकता है। कैप्सिड इज दियर प्रोटीन कोट, जो इनकी प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड बोला जाता है। विच इंट्रंस इज मेड ऑफ, जो कैप्सिड है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है जिसको कैप्सोमर बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन कोट का न्यूक्लिक एसिड को बचा के रखना। और जो डायग्राम से समझने से पहले हम कॉमन वायरल जो डिजीज हैं वो हम भी हम देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा है जैसे फ्लू जिसको बोलते हैं, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हर्पीज है और रेबीज है, ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जो वायरस से फैलती हैं खासकर ह्यूमंस में। और जो वायरस है जो ज़्यादातर पिक हम देखते हैं वायरस की जो सबसे ऊपर हेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे इसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, ये नेक रीजन है, यहीं पे टेल रीजन है, और इसके नीचे वाले भाग जहाँ से जो लेग लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है तो एक इसको कॉलर रीजन बोला जाता है। और ये जो कैप्सोमर्स हैं स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो दूसरी पीक है जो कोरोना वायरस के टाइम पे ज़्यादा फैमिलियर है, पहले इसी टाइप की जो पीक है वो ज़्यादा समझी जाती थी वायरस की, लेकिन आज इस पीक से भी हम काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं कोरोना डिजीज के बाद, तो ये भी वायरस ही होता है। और काफ़ी सारी इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी पाए जाते हैं, काफ़ी जल्दी ये म्यूटेट होते हैं, इसलिए इनकी म्यूटेंट्स वगैरह है, वेरिएशंस है, बहुत ज़्यादा जल्दी आती हैं जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर भी जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज ए डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसमें हमने एक एक्टिविटी करनी है क्लास के अंदर जिसमें ये समझना है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हम कुछ इनके लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ सकते हैं। जैसे नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स में जो वायरस हैं वो क्या शो करते हैं, उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, सेलुलर मीन्स उनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं मेनली वो नहीं पाई जाती हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन बॉटल्स लाइक क्रिस्टल्स, इनको हम स्टोर कर सकते हैं जैसे हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को स्टोर करते हैं बॉटल्स में, ऐसे स्टोर किया जा सकता है। देयर विल बी नो एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी लिबरेशन सिस्टम, इनके अंदर कोई भी ऐसा एनर्जी स्टोर का या फिर एनर्जी लिबरेशन का सिस्टम नहीं होता, ये बस एक टाइप के जस्ट ब्लू प्रिंट होते हैं। जब ये किसी भी सेल में जाते हैं तो वहाँ की मशीनरी को ओवरटेक कर लेते हैं, मशीनरी मीन्स जो भी वहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनने होते हैं, और उस मशीनरी को फिर अपने हिसाब से वो यूज़ करते हैं, अपनी कॉपीज़ हैं वो वहाँ पे क्रिएट करते रहते हैं। बस एक टाइप का ये ब्लू प्रिंट टाइप ही अपनी कॉपीज़ क्रिएट करते हैं। दे कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई आउटसाइड द होस्ट। उनकी लिमिटेशन यही है कि जो भी हैं वो एक होस्ट या फिर जिस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तभी अपना डोमिनेंस है, प्रभुत्व है, या फिर अपनी जो पावर है वो शो कर सकते हैं, बाहर ये कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से जो कोरोना टाइप में ज़्यादातर इससे, क्योंकि इनकी जो मेडिसन्स हैं, थेरेपी हैं, वो बड़ा मुश्किल होती है। वायरल डिजीज़ बड़ी मुश्किल से क्योर होती हैं। वो इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का कैसा है, यदि पावरफुल है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं, और यदि वीक है तो उस केस में हम इससे, वैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही एक जो थेरेपी है, जो एक हम बोल सकते हैं कि कहावत है, उसी को ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं वो क्या है, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक मीन इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो स्पेसिफिक हैं, उन्हीं के अंदर ये अटैक करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। खासकर कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट्स टाइप के बैक्टीरिया हुए, एनिमल्स को इफेक्ट नहीं करते हैं, एनिमल्स वाले प्लांट को नहीं करते हैं। और कुछ तो स्पेसीज स्पेसिफिक भी होते हैं, कुछ स्पेसीज को ही वो इफेक्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, इनके पास जो अपनी संख्या बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, मल्टीप्लीकेट कर सकते हैं। दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजेनिक मीन्स जो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है, एंटीजन जो भी फॉरेन मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब एंटर करता है तो उसके प्रति जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एक टाइप का इम्यून सिस्टम में ही जो एक्टिविटी होती है उस टाइप से, एक डिजीज काजिंग रिस्पॉन्स भी हम बोल सकते हैं, पैथोजेनिक रिस्पॉन्स ये शो करते हैं। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट मीन्स कंप्लीटली जो डिपेंडेंट रहे, यदि इनको पैरासाइट मिलेगा तो डिपेंडेंट रहेंगे, और यदि इनके पास पैरासाइट नहीं है, होस्ट नहीं है, तो ये नॉन लिविंग के रूप में काम करते हैं। और म्यूटेशंस इनके अंदर काफ़ी तेजी से होती हैं। म्यूटेशन मीन्स सडन इनहेरिटेबल चेंज विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन आफ्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो एक जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो चेंज कर देते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, तो ये भी ये शो करते हैं।